गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज मैं संगीता शर्मा आज आपको हिंदी में तीसरा चैप्टर पढ़ाऊंगी। तीसरा चैप्टर जैसा कि इसमें दिख रहा है आपको, तीसरे चैप्टर का नाम है देशभक्ति, धर्म और विश्वधर्म। जैसा कि आपको पाठ के नाम से पता चल रहा है, देशभक्ति धर्म, देशभक्ति यानी देश के प्रति प्रेम, और विश्वधर्म यानी विश्व के प्रति भी हमारा एक धर्म है, एक प्रेम होता है। वो इस विषय में आपको आज इसके बाद में चर्चा करूँगी मैं आपके साथ। तो ये है आपका पाठ। सबसे पहले इसमें बताया गया कि मनुष्य स्वभावतः स्वतंत्रता प्रिय होता है। एक देश के निवासी दूसरे देश के अधीन नहीं रहना चाहते। इसके प्रतिकूल मनुष्य का जो स्वभाव है कि वो दूसरे मनुष्यों को अपनी अधीनता में रखना चाहता है। मनुष्य किसी की द्विपुट प्रवृत्ति के कारण जो है आदि से और वर्तमान तक सृष्टि जो है का जीवन जो है संघर्ष नहीं मिट सकता है। तो इसमें लेखक कहना चाहता है कि हमारा जो स्वभाव है, हम शुरू से किसी के अधीन नहीं रहना चाहते, यानी स्वतंत्र रहना चाहते हैं। हम किसी की बात मानना नहीं चाहते, बल्कि आप अपनी बात मनवाना चाहते हैं। दूसरे में क्या कहते हैं, एक देश के निवासी दूसरे देश के निवासी को अपने अधीन रखना चाहते हैं, उसके अधीन नहीं रहना चाहते। यानी हम अपनी बात दूसरे से मनवाना चाहते हैं, दूसरे की बात हम खुद नहीं मानना चाहते। और हमारी यही दो द्विविधि प्रवृत्ति के कारण, यानी हमारे इसी दो विचारधारा के कारण सृष्टि यानी हमारा जो संसार है आज तक वर्तमान तक जन जन संघर्ष नहीं मिट पाया है। क्यों नहीं मिट पाया है? क्योंकि हम दिनों दिन एक देश दूसरे देश को अपने प्रभाव में डालना चाहता है, अपने अंडर करना चाहता है। यानी एक देश दूसरे देश के खिलाफ साजिशें करता है, युद्ध करता है। युद्ध के परिणाम क्या होते हैं कि संसार में इतिहास के में क्या बताया गया है कि पराधीन देश यानी जो भी देशों को जीत कर एक देश दूसरे देश पर जो देश उसको जीत लेता है उसके साथ अधिकतर दुर्व्यवहार ही करता है। आज के कुछ जो कहानी है, यानी अगर हम कोई देश को जीत लेंगे, कोई देश जैसे मान लीजिए आज का हमारा चीन है, चीन हमारे देश को कई बार जीतने की कोशिश करता है, कितने बुरी तरह हमारे सैनिकों को मार देता है, हमारे देश के लोगों को मार देता है। पाकिस्तान आतंकवादी गतिविधियां करके हमारे देश को नुकसान करने में पहुंचा लगा हुआ है। लेकिन हमारे भारत देश की जो है इतिहास हमेशा से ही अच्छा रहा। हमारा भारत देश हमेशा ही विदेश दूसरों के साथ भी अच्छा करता आया है। तो विजित देशवासियों की सभ्यता आज तो यह है। आज हमारे देश में भी कुछ ऐसे तत्व हैं कि बुरा व्यवहार करते हैं, लेकिन पुराने ज़माने में क्या था, पुरातन इतिहास देश की प्रवृत्ति प्रमाणित नहीं होती, ऐसी नहीं थी। ऐसी क्या थी कि कालिदास के रघुवंश के राजा के युद्ध के द्वारा विश्वजीत का वर्णन, विश्वविजय का वर्णन, कालिदास का रघुवंश नामक एक काव्य था, एक किताब थी, मतलब ग्रंथ था। उस ग्रंथ में ये विजय रघु यानी जो हमारे राजा राम थे उनके वंश थे, रघु उनके वंश के संस्थापक थे, रघु राजा थे उनके, सबसे पहले उनके वंश में रघु नाम के राजा थे। उन्होंने विश्व विजय की थी यानी पूरे विश्व संसार को विजित कर लिया था। लेकिन उसमें भी उन्होंने क्या किया, विजयित होने के बाद, देशों के साथ विजय होने के बाद उन्होंने पराजितों से केवल अधीनता मात्र स्वीकार कराकर यानी उन्हें केवल हराकर उन्हें हरा दिया और उनसे कह दिया कि अब हम तुम हमारे अधीन हो, ये कहकर अपना झंडा वहाँ उनके राज्य में गाड़ कर चले आए। लेकिन उनका कभी भी धन नहीं लूटा गया, ना उनसे कोई उनकी व्यवस्था को हानि पहुँचाई गई कि वो जैसे अपना देश चलाते थे उस देश को तोड़ा गया। संसार के इतिहास में उन्होंने उस देश को उसी हाल में छोड़ दिया जैसा वो राजा था। बस उन्हें कहा कि तुम अब हमारी अधीनता में हो, लेकिन तुम अपना राज्य चलाने के लिए स्वतंत्र हो, उसमें हमारे लिए कोई ज़रूरी, हम तुम्हें अपना बंदी बनाकर नहीं रखेंगे। ऐसा था उस समय का संसार के युद्ध में कुछ देश तो, और अगले पैराग्राफ में क्या कहा, संसार के युद्ध में कुछ देश अपनी स्वतंत्रता की रक्षा हेतु विवश होकर लड़ते हैं। यानी उस समय कुछ देश ऐसा भी है कि देश जो है लड़ना नहीं चाहते, लेकिन दूसरा देश अगर हमारे देश पर आक्रमण कर रहा है तो उससे अपने आप देश को बचाने के लिए लड़ना पड़ता है। तो ऐसी बातों में लड़ाइयाँ होती थी, जैसे कि रावण की लंका पर राम के द्वारा जो रावण को मारा गया, वो क्यों मारा गया था, क्यों रावण के राज्य पर, आपको सबको पता है कि रावण को क्यों मारने के लिए राम जी को विवश होना पड़ा था, क्योंकि उन्होंने उनकी धर्मपत्नी सीता का अपहरण किया था। और बार बार कहने के बाद भी कई तरह से उन्होंने समझाने बुझाने की कोशिश की राम जी ने कि वो उनकी पत्नी को वापस लौटा दे, लेकिन वो तैयार नहीं हुआ। तब राम जी ने विवश होकर उनके साथ युद्ध किया था और रावण के सभी संबंधियों को मारना पड़ा था। लेकिन फिर भी रावण की लंका जीतने के बाद उन्होंने क्या किया कि उन्हीं के सगे भाई विभीषण को उस राज्य का राजा बनाकर और वो सारा राज्य उन्हें वापस लौटाकर राम जी वापस आ गए थे अपने अयोध्या में। और उन्होंने यही कहा था कि मेरा युद्ध करने का जो कारण था वो अपनी पत्नी को स्वतंत्र कराना था, ना कि तुम्हारे देश को पराधीन करना था, तुम्हारे देश को अपने अधीन में लेना था। तो इस
तो पहले संघर्ष ऐसे थे, आज भी संघर्ष ऐसे ही होते हैं, और तब आज भी अच्छे लोग हैं जो वो संघर्ष करके दूसरों को अपने अधीन जो नहीं करना चाहते, वो आज भी लड़ाई नहीं चाहते हैं। लेकिन उस समय जो लड़ाई चाहते थे, कुछ लड़ाई अपने हित के लिए चाहते थे, तो कुछ विवश होकर करते थे। आज इस चैप्टर के विषय में यहीं तक बताऊँगी, बाकी की बातें कल बताऊँगी मैं आपको, आधा चैप्टर आपको कल बताऊँगी।